Hello friends, this is your host Rachit Pangal. I hope you all are fit and fine. भाई आज आपसे एक रिक्वेस्ट है. जैसे कि मैंने लाइव वीडियो में बताया था, थोर और हेला का नया चैनल बना है, तो उस चैनल को जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें. और पहली वीडियो आने वाली है उस चैनल पे, तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लो, अच्छा रहेगा, है ना. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नाम मैं बता देता हूँ, टेल्स ऑफ थोर एंड हेला नाम से चैनल है. तो जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है. और इस वीडियो को लाइक करो और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो. आप 1 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं आप, और मुझे पता है आप लोगों पे इतना भरोसा है कि आप, मेरे को लग रहा है महीने के अंदर ही करा दोगे. तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, पर हमारे, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ. वीडियोस डेली आने लग रही है. हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग. आज कन्नू भैया को हमारे को थोड़ा बुखार है. हेलो. बुखार नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे बुखार नहीं है, मेरे सिर्फ हेडेक है, और इसलिए मतलब हिम्मत नहीं है. तो मैं थोड़ी देर में जमा. पीटी टीचर की ऑनलाइन क्लास के टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स बज रहे हैं. पिछले 3 दिन से क्लास नहीं लगाई है भाई सर. शॉर्ट्स बजा रहे मम्मी को. मेरी मम्मा को नीचे आके बोला कि ना नहीं, मम्मी को नीचे जाके बोला, मामी जी मैं ना जा रहा हूँ ऊपर ऑनलाइन क्लास लगाने, ऊपर बैठ बैठ के शॉर्ट्स बजा रहा. बढ़िया बढ़िया. अपने चलो ऊपर थोड़ा नारे लग रहे हैं, मिले आप. ये एक्चुअली हमारे घर की जो पैड़ी है ना, इसमें मेरा रोज का गिरना है. मतलब मैं रोज रोज गिरती हूँ इस पे. रोज बहुत कम ऐसे दिन बीतते हैं जब मैं नहीं गिरती. है नाली है क्या थोर? ओहो अले थोलू नाली, तू मिस हो गया यार सीन गाइज अपना. तो जल्दी यहाँ पे एक्चुअली सन बात ले रहे हैं सर. कहाँ है सूरज? वहाँ पे सूरज, यहाँ पे ये. एक्चुअली जीवन तो यही जी रहा है. रुक जा बेटा, रुक जा. ये है हेला का छोटा सा एक घर है, और इस घर में ये बहुत खुश है. ये देखना ऐसे खेलती है मेरे साथ. हेला हेला नाखून बहुत बड़े इसके, बंदर सी के. हेला हेला अलग अलग. अभी इस टाइम खेल रही है मेरे साथ, और जब इसका मन नहीं करता ना, तो मैंने कहा इसे दांत से मार देती है कि छोड़ो मुझे. भाई मैंने कहा था ना मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे को रेस्ट लेने नहीं देते. पता है क्या हुआ, क्या हो गया एकदम से. थोर, पापा थोर को घुमाने लेके गए हुए थे, जैसे आपको पता है मॉर्निंग वॉक में पापा के साथ जाता है ये. तो क्या हुआ, वहां पे एक लेबरा इसका दोस्त है, वो आया, ये दोनों खेल रहे थे. पर एक ना स्ट्रीट डॉग है ब्लैक कलर का, वो दूसरी गली से आया था, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था इसके ऊपर. तो पापा के कंट्रोल में तो था, ये लीश में तो था ही पापा के, बट ना ये बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव हो रहा था. तो ऑब्वियसली बात है ये भी अपनी तरफ से तो बार्क कर रहा था, क्योंकि इसने सोचा कि कहीं पापा पे अटैक ना करे. तो भाई क्या हुआ, पापा ना स्टिक लेके जाते हैं साथ में, ताकि इधर उधर कर दे, है ना. लड़ना थोड़ी है, लड़ना कोई काम थोड़ी होता है डॉग का, मतलब वो कोई मोटिव नहीं है. बट क्या हुआ कि वो पापा ने उस डॉग को, जो उस वो भैया थे, उन्होंने भी उसको हटाया, वो उनके लेबरा के ऊपर भौंकने लग गया. फिर क्या हुआ, पापा ने उस स्टिक से थोड़ा इधर उधर करा कि ऐसे नीचे मारे उस स्टिक, पर वो फिर भी नहीं हटा. तो भाई क्या हुआ, दोनों हो गए बहुत ज्यादा एग्रेसिव. वो थोर की तरफ आने लगा, तो थोर को पापा ने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि पापा ये चाह रहे थे कि ना लगे, ना लड़ाई हो, ना लड़ाई हो. बट क्या हुआ, थोर पापा के लीश में था और वो डॉग बिल्कुल खुला था, तो वो इसके पास आ रहा था. और थोर के, मेरे को ये पता है, आपने वीडियो भी देख ली होगी, थोर के अगर वो मतलब आसपास आ जाए तो फिर ये छोड़ देगा. तो इस ये इतना एग्रेसिव हो रहा था, हद से ज्यादा, मतलब प्रोटेक्टिव वे में आ रहा था, कि इसको पता है कि अगर ये मेरे पे अटैक कर सकता है तो ये पापा पे भी कर सकता है. तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मतलब अपने तरफ से एग्रेसिव हो रहा था उसके ऊपर. तो ये चीज चलती रही, पापा ने उसको हटाने की कोशिश करी, पापा ने इसको छोड़ा नहीं. तो क्या हुआ कि वो इसने उसके मार दिया, नहीं वो उसने इसके मतलब पास आ गया था, तो हल्का से यहाँ पे इसके कान के नीचे दांत लग गया उसका. तो फिर इसने क्या हुआ, इसके हाथों चढ़ गया. वो पापा ने फिर भी छोड़ा, पापा के पकड़ा हुआ था लेकिन फिर भी इसने उसको 2 चक तो मारी दी, बट पापा ने छोड़ा नहीं. मैंने कहा कि पापा फिर अगर इतनी बात होगी तो छोड़ देते, पर वो भैया ने मना करा पापा को कि ना भैया, ना अंकल जी ना छोड़ियो, क्योंकि थोर मतलब उसको छोड़ता ही नहीं.
पता था, पर इसलिए पापा ने एक हाथ से उसको थोर को रोक रखा, और आपको पता है कि थोर में कितनी पावर है, कितना खींचता है ये अगर अपने पे आ गए, और दूसरे हाथ से स्टिक से उसको हटा रहे। तो फिर भाई अब क्या हुआ, तो अब इसके हल्का से यहाँ कट लग गया था, इसने भी उसके दो या तीन चक तो मारी है, पर वो मेरे को पापा ने बताई नहीं थी शुरू में, पर बाद में बताई मैंने, पापा ये क्या बात हुई, फिर उन्होंने सही में बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो इसने भी उसको मारी बाद में दो दिन, पर फिर भी ये लीश में था, फिर भी इसने रोक लिया, मतलब पापा ने रोका, इतने मारने नहीं दी। फिर क्या हुआ कि ये वो डॉग हट नहीं रहा था बिल्कुल भी, आवाज आ रही थी, तो मास्टरी डॉग जो हमारी गली के वो भी पहुंचे देखने की भाई क्या रोला हो गया ये हमारी गली में आके दूसरा कुत्ता कैसे बदमाशी कर रहा है, तो उसके तो आते ही तो वो कई सारे आगे, पांच छह आगे ना, तो उसने तो देखते हुए तो पकड़ के लंडा ला दिया उसने। तो ये बात हुई। हाँ, इसके रेबीज का इंजेक्शन पहले लगा हुआ है, सारी बीमारियों को लगा हुआ है, दूसरा मैंने डॉक्टर से भी पूछ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डॉग भी बिल्कुल हेल्दी है। हाँ, अब क्या कर रहा है कि इसको, एक तो इसको नहला दिया, दूसरा नहलाते समय पहले तो लग नहीं रहा था कि इसके लगा हुआ है, बट अब नहलाते हुए पता चला कि हाँ लग रहा है इसे, तो हल्का सा कट लगा हुआ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें थोड़ा सा सेवलोन लगा के थोड़े से बस बिटाडीन लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। जैसे कई बार यार मेरे ही थोर नहीं मार देता, उस दिन नाखून लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ब्लड सा हल्का सा आ जाता है, बस वो ही चीज है। दिखाने इसके कहाँ लगे पापा? लगी कहीं नहीं इसका, ये देख, ये है ना उस साइड वाले कान पे है, उस साइड वाले पे है। हाँ, इस पे दिखाई बेटा, ये देख थोड़ा सा यहाँ से बाल उठ गए इसके, देख रहे दिखा रहे, ये थोड़े से बाल उठ गए, ये देख हौसला बढ़ गया उसका ना, वो खुला भी तो था, बात ये है वो खुला था, ये बंद था, तो उसका हौसला थोड़ी देर कायम रहा, फिर वो पांच सात आगे उन्होंने दीवारों के ऊपर से पूछ दबा के कैसा भाग गया, जबरदस्त वाला, देख लो थोर के सपोर्ट में इसके दोस्त आए स्ट्रीट डॉग, पांच तो बड़े, तो तीन इसके छोटे छोटे बच्चे, बहुत भगाया उनके, बड़ी दूर तक भगा के, लो भाई इसके थोड़ा सा, वैसे तो नहला दिया है ये, पर थोड़े से पापा सेवलोन इसका वो साफ कर देंगे वो जगह हल्की सी, ऐसे छोटी मोटी चट्टे तो लगती रहती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या लगा ये कुछ भी, थोड़ी बेटे जा, अरे यार मेरे दूसरा कान पकड़ लिया, और जब मेरे को दिखा भी नहीं है जब तक, हाँ ये नहलाया तो बाल कट्ठे हो गए तो इसलिए दिख गया होगा, तो मैंने सारा चेक कर लिया था, सोचा कहीं नहीं लगा इसके, हाँ इसके देख नहीं नहीं पैर नहीं, पैर नहीं, थोड़ा दो मिनट रहने दे, थोड़ी सी जलन तो होएगी बेटे, अब पापा की बारी आ गई है, मम्मी जी इस मानू के भी लगा दो, माथे पे लगाओ, बुआ जी इसका माथा कवर करो, ठीक है, इतना बड़ा माथा है, इस पे हाईवे छाप सकते हैं, किसने कह दिया। चलो भाई आज स्कूल का टाइम आ चुका है, थोर और हेला का वही स्कूल टाइम, तो भाई जरूरी है कल छुट्टी मार ले इन पागलों ने, एक्चुअली इनकी इवनिंग क्लासेस होती है रात को 11 या 12 बजे शुरू, हाँ तो इसलिए कल इन्होंने कहा कि मैडम प्लीज छुट्टी दे दो, तो मैडम ने कहा कि ले लो तो भाई आज क्या था भाई, आज सबसे पहले हम नए एडमिशन्स के नाम बताएंगे, रिवील करेंगे, उसके बाद आज थोर का टेस्ट है, आज थोर का लास्ट टेस्ट है भाई, ये चीज से पता चलेगा कि या तो इसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और या फिर अगर ये पास हो गया तो ये सीधा फिफ्थ में हो जाएगा, बताइए डॉक्टर साहब, ये देखिए कितना डॉक्टर साहब बताइए प्लीज, डायरेक्टर नहीं टीचर है वो, नेम थोर रोटवाइलर, अच्छा 1 year 3 months, ठीक है भाई, थोर तेरे नाम का दोस्त मिल गया, नेक्स्ट काली स्ट्रे डॉग 3 days 3 years 3 days 3 days एक मिनट मैडम का चश्मा ला के दीजिए पहले, मैडम का चश्मा हफ्ते से टूटा हुआ, नेम टाइसन ठीक है, टाइगर 1 year रोटवाइलर, आज दो रोटवाइलर लिए हमने, मतलब मैं मत हूँ
साथ में कोई कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, नेम ओरियो बजीज। बजीज, ये सारे हमारे न्यू एडमिशन्स हैं। अब खोल का टेस्ट है। फैसले का घड़ा है। घड़ी है। घड़ा है। घड़े में पानी रख भर दो जी। फैसले का घड़ा आ गया मम्मी। तो से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते थोरू, इंग्लिश में ब्रदर, हिंदी में भाई, तो मराठी में क्या बोलेंगे? भाऊ। तो इसका बोलने का मतलब हुआ इंग्लिश में ब्रदर, हिंदी में भाई, तो मराठी में भाऊ। सेकंड क्वेश्चन थोरू, हमें क्या नहीं करना चाहिए? भेदभाव। अब मेरा स्टूडेंट मेरी गोदी में बैठ के दो सवालों का जवाब दूंगा। थोरू, हमें क्या नहीं खाना चाहिए? हमें भाव नहीं खाना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन थोरू, जब छोटे बच्चे सोते नहीं तो उनकी मम्मी उनको क्या बोलती है कि सो जाओ, नहीं तो कौन आ जाएगा? भाव आ जाएगा। तो भाई इसी के साथ, इसी के साथ थोर भाई पास हो जाते हैं। हमें लग नहीं रहा था कि इन चार क्वेश्चन का जवाब दे देगा, पर आप लोग बताना कैसे लगे क्वेश्चन इसके सही थे ना। अब मैंने थोर को एक्चुअली फिफ्थ में कर दिया सी। नहीं, नर्सरी तीसरी बार में पास करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत बच्ची अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है थोर के लिए। पीटी सर की भी बहुत मेहनत है इसके अंदर। पीटी सर ने पीट के जितवाया बेचारे। पीटी सर ने बहुत मेहनत करी है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोर और हेला का भाई नया चैनल बनाया है हमने, तो आप भाई उसको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चैनल का, उसे जल्दी सब्सक्राइब करें, और पहली वीडियो उसमें डलने वाली है, तो जल्दी जल्दी से ज्यादा हमें प्यार दें जैसे आप देते रहे हो अब तक। चलो इस वीडियो को एड करते हैं। बाय बाय।